Good morning, everyone. This is Dr. Ekavli, consultant obstetrician and gynecologist in Healing Hospital, Chandigarh. And today we'll be talking about antepartum hemorrhage, also in common language known as bleeding during pregnancy. I hope all of you are doing well and keeping yourself safe in this corona times. Now, what is antepartum hemorrhage? या जिसे हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, ये क्या होता है? Any kind of bleeding from your genital tract, आपकी वजाइना से किसी भी तरह की ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है एंड 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद शुरू होती है, उसे हम एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं. एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब आप लेबर में जाते हैं उससे पहले भी ये होनी चाहिए. सो दिस इज एंटीपार्टम हैमरेज. इसके बहुत सारे कारण होते हैं. 2-5% प्रेगनेंसीज में एंटीपार्टम हैमरेज देखा जाता है. इससे पहले भी ब्लीडिंग हो सकती है, 24 वीक से पहले भी ब्लीडिंग होती है, जिसके भी बहुत सारे कारण होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट कॉमन थिंग जो हम सुनते हैं, दैट इज अबॉर्शन. अबॉर्शन बहुत सारे तरीके की होती है, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन जो कि कपल खुद करवाते हैं बिकॉज दे डोंट नीड द बेबी, या फिर मिस्ड अबॉर्शन जिसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी होती, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, ये बड़ी सारी चीजें होती हैं जिनके कारण प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है. अबॉर्शन की कट ऑफ लिमिट इंडिया में 20 वीक्स है. अगर 20 वीक्स से पहले आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे अबॉर्शन कंसिडर करते हैं. अगर 20 वीक्स के बाद आपको, या 20-24 वीक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं. नाउ एंटीपार्टम हेमरेज, जैसे मैंने आपको बताया, 2-5% केसेस में, 2-5% प्रेगनेंसीज में नॉर्मल है. एंड इसके बड़े सारे कारण हैं. यूजली एंटीपार्टम हेमरेज बहुत ही माइल्ड सी चीज नहीं होती. दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर आपको इस तरह से ब्लीडिंग होती है, यू शुड कंसल्ट योर गायनोकोलॉजिस्ट. यू शुड नॉट सिट एट होम. आपने एक घंटा, इनफैक्ट हाफ एन आवर का भी वेट नहीं करना है. आपने इमिडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, सो दैट योर गायनोकोलॉजिस्ट कैन नो, कैन इन्वेस्टिगेट कि किस कारण से आपको ये ब्लीडिंग हो रही है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे सके. नाउ अब मोस्ट लाइकली जो कॉजेज होते हैं ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, ये है एक प्लेसेंटा प्रीविया. आपने सुना होगा, प्लेसेंटा प्रीविया एक टर्म है जो यूज करते हैं. दूसरा एब्रप्शियो प्लेसेंटा यूज करते हैं हम टर्म. वेजा प्रीविया एक कारण होता है. दीज आर द थ्री मेन कंडीशंस विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो आपके बेबी और आपको हार्म कर सकती हैं. इनको हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे. देर आर अदर रीजंस, जैसे कि वजाइना में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण कई बार इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है. कभी चोट लगने के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण, या फॉरेन बॉडी इंसर्शन के कारण भी जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है. कई बार प्रेगनेंसी के कारण ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है जेनिटल ट्रैक्ट का. कई बार वहां पर इरोजन्स हो जाते हैं, पोलिप्स बन जाते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है. ये जो कॉजेज मैंने अभी आपको बताए, ये बहुत ही माइल्ड वेराइटी ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज होते हैं. दे कैन बी इजिली मैनेज्ड, सिंपल सा एंटीबायोटिक या लोकल एप्लीकेशन कोई ड्रग की, ये मैनेज हो जाते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द सीरियस कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा प्रीविया. वॉट इज प्लेसेंटा प्रीविया? आप में से प्लेसेंटा प्रीविया इज नॉट कॉमन, सो जिन लोगों को प्लेसेंटा प्रीविया की कभी कंडीशन रही होगी, उन्हीं को पता होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है. यूट्रस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यूट्रस का एक अपर पार्ट होता है जो आपके रिब्स के नीचे होता है, जिसे फंडस बोलते हैं. उसके नीचे यूट्राइन बॉडी होती है, जिसमें मेनली बेबी होता है. एंड सबसे नीचे एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, सबसे नीचे की तरफ जहां पर आपको सिजेरियन का कट लगता है, वहां नीचे की तरफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है. प्लेसेंटा यूजली फंडस पर इम्प्लांट करता है या फिर यूट्रस की बॉडी पर इम्प्लांट करता है. नाउ प्लेसेंटा क्या चीज है? प्लेसेंटा इज ऑर्गन विच डेवलप्स इन प्रेगनेंसी. एंड ये बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन है, जिसके थ्रू ब्लड मदर से बेबी को जाता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. अगर ये प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट या LUS में इम्प्लांट हो जाता है, नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है, उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं. जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनता है. जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे बेबी का हेड नीचे होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट भी एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है. अगर इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे हमारा प्लेसेंटा अटैच होता है,
जब ये एक्सपैंड करना शुरू होता है तो प्लेसेंटा शियर ऑफ होता है, उससे सेपरेट होने की कोशिश करता है, जो टाइम से पहले होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग यूजली एज अ वार्निंग हेमरेज हम लेते हैं। इट मे हैपन मेनी टाइम्स इन योर प्रेगनेंसी। हम इसको वार्निंग हेमरेज की तरह लेते हैं। अगर तो ये टाइम से पहले हो जाए, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सेव द बेबी। अगर ये टाइम पूरा होने के बाद भी होता है, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बिकॉज जहाँ से बेबी ने नीचे आना है वहीं पर प्लेसेंटा लगा हुआ होता है। दूसरी चीज़, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं करता है। एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, यूट्रस गोज बैक इनटू इट्स नॉर्मल शेप, इट बिकम्स एज हार्ड एज अ रॉक। वो बिकॉज प्लेसेंटा वहाँ पे लगा हुआ होता है, वो वाला जिस एरिया पे लगा हुआ होता है वो कंट्रैक्ट नहीं करता। वो कंट्रैक्ट नहीं करता तो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, मदर की लाइफ को रिस्क रहता है। नाउ प्लेसेंटा प्रीविया, अगर हम जानना चाहें कि अब हम पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्यों होता है, किन प्रेगनेंसीज में हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। मल्टीपैरिटी, अभी तो मल्टीपैरिटी इज नॉट वेरी कॉमन है ना, बट पहले जमाने में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, 6 7 किड्स होते थे, 10 12 भी होते थे। जितनी प्रेगनेंसीज होती है उतना यूट्रस डैमेज होता है, यूट्रस में फाइब्रोसिस हो जाता है। जब फाइब्रोसिस होगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। सो बॉडी या यूट्रस कॉम्पनसेट करने के लिए प्लेसेंटा का साइज बढ़ा देता है, जिसके कारण प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंक्रोच कर जाता है। जब वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंक्रोच करेगा तो आपको प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस है। एज आपकी ज्यादा है, मोर देन 35 ईयर्स है, सम रेशियल फैक्टर्स जैसे कि ब्लैक वीमेन हैव या वुमेन ऑफ कलर हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ प्लेसेंटा प्रीविया, देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है आपकी, पहली प्रेगनेंसी में आपको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हैविंग अ प्लेसेंटा प्रीविया, या मल्टीपल डीएनसीज आपकी हुई हैं, मल्टीपल अबॉर्शंस आपकी हुई हैं, यूट्रस के अंदर से सफाई हुई है, तो उससे भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिजेरियन सेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, या कोई भी आपका यूट्रस में प्रोसीजर हुआ है जैसे मायोमेक्टमी हुई है या कोई और सर्जरी हुई है, उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार आपका सिजेरियन हुआ है उसके बाद इन योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्लेसेंटा प्रीविया इज अराउंड 1.2%, दो सिजेरियन के बाद इट इज अराउंड 2.1%। नाउ कैसे डायग्नोसिस बनता है इसका, प्लेसेंटा प्रीविया का? आजकल तो वी गेट अ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एट अराउंड 7 वीक्स, और उसके बाद NTNB स्कैन हमारा अराउंड 11 to 12 वीक्स के आसपास हो जाता है। सो अल्ट्रासाउंड पर ही हमें पता लग जाता है कि प्लेसेंटा आपका नीचे है। जिन भी लेडीज का प्लेसेंटा नीचे आता है, हम उन्हें बताते हैं कि यू शुड ईज आउट, है ना, आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज, इनफैक्ट बेड रेस्ट पर हम डाल देते हैं, कोई हैवी वेट नहीं उठाने हैं, स्क्वाटिंग नहीं करनी है, पैरों के भार नहीं बैठना है, हस्बैंड से रिलेशन अवॉइड करने हैं, ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, एनी थिंग विच लीड्स टू इंक्रीज पेल्विक प्रेशर या पेल्विक एक्सरसाइज या पेल्विक वर्कआउट, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी होती हैं। नाउ राहुल इज आस्किंग हाउ अर्ली कैन वी नो वॉट दैट वी हैव प्लेसेंटा प्रीविया। दैट इज वॉट राहुल आई एम टेलिंग यू, कि आजकल हमारा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 7 वीक्स पर हो जाता है, एंड उसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड 11 to 12 वीक्स पर हो जाता है। तो इफ यू हैव प्लेसेंटा प्रीविया तो आपका अल्ट्रासाउंड पर ही पता लग जाता है, एंड अकॉर्डिंगली हम आपको एडवाइस दे देते हैं कि ये चीजें आपने अभी अवॉइड करनी है। नाउ जिन लोगों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता, जो विलेजेस में है, जो नहीं कराते हैं, जो पेरिफ्री में बैठे हैं, उनको प्लेसेंटा प्रीविया से इस टाइम पर कई बार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। दे मे हैव स्पॉटिंग या फ्रेश रेड ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। सो जब उनको ब्लीडिंग होती है, इफ दे गो टू द डॉक्टर, इफ उस टाइम ऐसा है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, तो हम बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो बता देते हैं। देन वी मे समटाइम्स ऑल्सो पुट द पेशेंट ऑन प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन होते हैं एंड डेली इट कैन बी टेकन ओरली लिया जा सकता है। आइडियली हम कोई भी वजाइनल मैन्यूवर जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन हो जाता है या फिर कोई भी मेडिसिन अंदर इंसर्ट करने वाली प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में अवॉइड करते हैं, बिकॉज एनी थिंग कैन ट्रिगर द ब्लीडिंग। नाउ कुलजीत इज आस्किंग
Good morning, ma'am. Can bleeding during pregnancy affect the baby? Yes, Kuljeet. जिस तरह से मैंने बताया जो प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग है, if it is excessive, अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो yes, it can affect the baby. अगर हम ब्लीडिंग को कंट्रोल ना कर पाए इन अर्ली प्रेगनेंसी तो यू कैन हैव एन अबॉर्शन एंड उससे भी ज्यादा लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग हो जाती है, समटाइम्स इट मे लीड टू प्री टर्म डिलीवरी. बेबी की ग्रोथ कई बार कम हो जाती है. इट मे इवन लीड टू इंट्रा यूट्राइन डेथ. कई बार बेबी की धड़कन पेट में खत्म हो जाती है. सो येस, इट इज अ सीरियस कंडीशन एंड इट कैन हार्म यू बेबी. सो यू शुड बी कंसल्टिंग अ गायनोकोलॉजिस्ट फॉर द सेम. एंड जो भी वो एडवाइस देते हैं आपको फॉलो करनी चाहिए. नाउ आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया के भी ग्रेड्स होते हैं. देर इज अ माइनर वेराइटी एंड देर इज अ मेजर वेराइटी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. माइनर वेराइटी इज ग्रेड वन, जिसमें एंटीरियर प्लेसेंटा होता है एंड इट इज लोकेटेड, ऑब्वियसली लोकेटेड इन योर लोअर यूट्राइन सेगमेंट. बाकी जितने भी ग्रेड्स हैं, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर, दे आर वेरी डेंजरस टू द बेबी एंड टू द मदर. एंड इसकी डिटेल्स बाकी आपके गायनोकोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि आपका कौन सा ग्रेड है एंड वॉट ऑल प्रिकॉशंस यू शुड बी टेकिंग इन द प्रेगनेंसी. Now, somebody is asking me कि normal delivery possible है placenta previa में कि नहीं. Because as we have told, जो area जहाँ से ultimately baby का head नीचे आता है उस area में placenta attach होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक तो space की restriction हो जाती है, बेबी का हेड नीचे नहीं आ पाता, मैल प्रेजेंटेशन, बेबी की ट्रांसवर्स लाई, ब्रीच लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेबी का हेड नीचे नहीं आ पाता. मोरओवर अगर वहां से डिलीवरी हो भी जाती है, जब प्लेसेंटा वहां से डिटैच होकर बाहर आता है तो वहां से ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, विच इज एक्चुअली फेटल टू द लाइफ ऑफ मदर. सो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं होते हैं. द ओनली सेफ मोड ऑफ डिलीवरी इन प्लेसेंटा प्रीविया इज थ्रू अ सिजेरियन सेक्शन. नाउ कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, जो हम जैसे कभी भी कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद यूट्रस गोज बैक टू, यूट्रस कितना बड़ा ऑर्गन हो जाता है, द होल टमी गेट्स फिल्ड विद द यूट्रस. जैसे ही बेबी बाहर आता है यूट्रस श्रिंक्स बैक टू इट्स साइज, है ना, उसका साइज अराउंड अम्बिलिकस से भी नीचे आ जाता है. दिस इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना. जब यूट्रस रिट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करता है, श्रिंक करता है, देन उसमें से ब्लीडिंग कम हो जाती है. बट प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में ये मैकेनिज्म जो है नहीं हो पाता, बिकॉज जो एरिया जहां पे प्लेसेंटा लगा हुआ होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है कंट्रैक्ट करने की. सो दैट इज व्हाई प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में ज्यादा ब्लीडिंग होती है. इतनी ब्लीडिंग होती है दैट इट मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट मे रिक्वायर आईसीयू, इट मे रिक्वायर वेंटिलेटर. अब प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग आप बोल रहे हो कि क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की ब्लीडिंग होती है, हम ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज पेनलेस. आपको कोई पेन नहीं होगा, आपको कोई सिम्टम नहीं होगा. यू आर सिटिंग, यू आर लाइंग डाउन, आप कुछ भी कर रहे हैं एंड सडनली यू विल हैव फ्रेश वजाइनल रेड कलर्ड ब्लीडिंग आपको होनी शुरू हो जाएगी विद नो अदर सिम्टम. ना आपका यूट्रस में पेन होगा, ना यूट्रस टाइट होगा, कुछ भी नहीं होगा. इट विल जस्ट बी वार्निंग, मतलब विदाउट एनी सिम्टम्स, सिम्टमलेस, पेनलेस ब्लीडिंग आपको होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द डायग्नोसिस इज डन बाय एन अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड ही डिटेल में बता पाते हैं कि आपका प्लेसेंटा कहाँ है, किस लोकेशन पे है, किस ग्रेड का प्लेसेंटा प्रीविया है. एंड देन योर गायनेकोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि अब आपने आगे रेस्ट करना है, आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन की जरूरत है कि नहीं है, एंड आपका मोड ऑफ डिलीवरी विच इज मोस्ट लाइकली सिजेरियन सेक्शन, वो कब होगा, क्या टाइम है उस सिजेरियन सेक्शन करने का, ये सब आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको डिटेल में बता पाएंगे. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया इज बहुत सारी प्रेगनेंसीज में अर्ली स्कैन में 11 टू 12 वीक्स पर प्लेसेंटा प्रीविया दिया जाता है. हम पेशेंट को रेस्ट पर भी डाल देते हैं, सारी प्रिकॉशंस भी बोल देते हैं कि आपने ये सब कुछ करना है, बट देन 11 टू स्कैन पे या 28 वीक्स वाले स्कैन पे देयर इज नो प्लेसेंटा प्रीविया, एवरीथिंग इज फाइन.
दिस इज प्लेसेंटल माइग्रेशन. जैसे जैसे यूट्रस एनलार्ज करता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बंद होना होता है, सम हाउस थ्रू सम मैकेनिज्म प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट से ऊपर चला जाता है या नीचे वाला एरिया ज्यादा ग्रो कर जाता है. थ्रू सम मैकेनिज्म 75% प्रेगनेंसीज में प्लेसेंटा प्रीविया डिसअपीयर कर जाता है एंड यू अल्टीमेटली एंड अप हैविंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड obviously a normal delivery for that reason. Now, अगर आपको placenta previa बता दिया गया है 28 to 32 weeks के scan पर भी बता दिया गया है कि आपको placenta previa है, अब आप आगे क्या करोगे? How do you prepare yourself for the delivery? आपने क्या क्या tips and tricks है, क्या क्या आपने करना है? सबसे पहले आप regular antenatal visits पर जाएंगे. You should not be missing any antenatal visits. अपनी आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड की गोली आप जरूर लेंगे. द रीजन बिहाइंड दैट इज लाइक आई रिपीटेडली टोल्ड यू प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड्स. आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है, सो दैट जब भी ब्लीडिंग होगी आपका हीमोग्लोबिन फॉल ना करे, इतना फॉल ना करे कि आपकी बॉडी को कॉम्पनसेटरी मोड में आना पड़े, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े. सो इसलिए ऑलवेज अपना हीमोग्लोबिन आपने मेंटेन करके रखना है. आपने खुद अपने रेगुलर बेसिस पे आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोली खाते रहनी है. एनी काइंड ऑफ वॉर्निंग हैमरेज, एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग जो रात को हो, दिन में हो, दैट इज नॉट टू बी इग्नोर्ड. आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास रश करना है. प्लेसेंटा प्रीविया की ट्रीटमेंट ऑलवेज एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो फॉर द मदर एंड फॉर द बेबी. इसके कारण ट्राई करें व्हेन योर डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हैज बीन मेड तो आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल के आसपास ही रहें, सो दैट कभी भी आपको इमरजेंसी आए तो आप इमिडिएटली हॉस्पिटल रश कर सकें. अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपका घर कहीं और है, इट इज बेटर, इट इज एडवाइज दैट यू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड जितना भी टाइम है, एक महीना दो महीना, वो आप हॉस्पिटल में ही गुजारे, सो दैट यू बेबी एंड यू आर सेफ. यू शुड बी टेकिंग एडिक्वेट बेड रेस्ट. प्लेसेंटा प्रीविया इज अनदर नेम फॉर बेड रेस्ट आई वुड से, सो आपने बेड रेस्ट लेना है. हैवी एक्सरसाइजेस, स्क्वाटिंग, इंटरकोर्स, constipation, any kind of pelvic exercises, traveling are to be avoided. Soft pad पहन के रखना है. If you're already having bleeding, sterile verbal pad जिसे हम बोलते हैं, because all the time you'll be wearing a pad, आपको bleeding हो रही है. अगर आप गंदा pad use करेंगे, the chances of infection increase. So आप एक soft pad पहन के रखेंगे. And जैसे जैसे कभी भी आपको contractions हो, baby की movement कम हो, then you will call your doctor and immediately rush to the hospital. Another important thing is कि आपके doctor placenta previa में बोलेंगे when you are having warning hemorrhage, या फिर आपके end के time पे around 34-35 weeks के आसपास the doctor will say कि आप ब्लड अरेंज करा के रखिए. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्कस विद योर डॉक्टर, कीप वन ब्लड अरेंज, कीप ब्लड डोनर्स अरेंज, बिकॉज एनी टाइम यू मे नीड ब्लड. सिजेरियन सेक्शन इज द मोड ऑफ डिलीवरी. आपने बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा पेशेंट्स को, पेशेंट्स की फैमिलीज को रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए. ऐसा भी कई बार होता है कि ब्लीडिंग हो रही है एंड फैमिली प्रेशर इस तरह से होता है कि नहीं जाना है, कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, घर में ही बल्दी ले लो. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया देन यू विल नॉट बी डूइंग दिस. आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है, डॉक्टर्स की बात माननी है ठीक से. कोई भी अपनी तरफ से कोई भी मिथ सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट कॉज जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का है, दैट इज एब्रप्शियो. एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? नाउ वी हैव लर्न कि प्लेसेंटा प्रीविया इज एबनॉर्मल पोजिशन ऑफ द प्लेसेंटा. एब्रप्शियो प्लेसेंटा हर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा सेपरेट करता है एंड वी रिमूव इट. प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज एब्रप्शियो प्लेसेंटा. अगेन अ वेरी डेंजरस कंडीशन. प्लेसेंटा जब सेपरेट हो जाता है प्री मेच्योरली, मैंने बेबी स्टिल इनसाइड योर यूट्रस, इट लीड्स
टू इंट्रायूटराइन डेथ, बेबी की डेथ हो जाती है, वी हार्डली हैव 5-10 मिनट्स टू सेव द बेबी. सो अब हम बात करेंगे कि क्यों प्लेसेंटा प्रीविया होता है, क्या क्या कॉसेस होते हैं सॉरी एब्रप्शन प्लेसेंटा होने के, एंड कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है. नाउ एब्रप्शन प्लेसेंटा रिस्क फैक्टर्स, मल्टीपैरिटी अगेन, आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं या लाइफ में कभी ड्रग अब्यूज किया हो, आपका बीपी ज्यादा हो उसके कारण भी आपको एब्रप्शन प्लेसेंटा होने के चांसेस रहते हैं. देन ट्विन प्रेगनेंसी में या आपका फ्लूड बहुत ज्यादा हो, एकदम से वाटर लीकेज हो, वाटर बैड डक्चर हो, सारा का सारा फ्लूड बाहर आ जाता है, इट लीड्स टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. देन हाइपरटेंशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मल्टीपीपल जेस्टेशन, खूब सारे बच्चे मतलब ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में, स्मोकिंग, कोकेन, मल्टीपल डीएनसीज आपकी हुई हो, मल्टीपल अबॉर्शंस आपकी हुई हो, या थ्रोम्बोफीलियाज, आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, फैक्टर फाइव म्यूटेशन या और भी थ्रोम्बोफीलियाज होते हैं, लीविंग म्यूटेशन, वो सब कुछ हो, ट्रॉमा, आपको चोट लगी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कुछ टमी पे ट्रॉमा हो, आपका बड़ा बच्चा है बॉल लग गई है खेलते हुए या किक लग गई है, ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, सो इन सारी कंडीशंस में एब्रप्शन प्लेसेंटा होने के चांसेस रहते हैं. एब्रप्शन लाइक वी वर डिस्कसिंग कि प्लेसेंटा प्रीविया लीड्स टू अ वार्निंग हेमरेज, हमारे पास एक टाइम होता है, एक वार्निंग देता है प्लेसेंटा प्रीविया हमको कि ये आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, ये आपको वार्निंग हेमरेज होगी, गो टू अ डॉक्टर, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस. There is no warning hemorrhage in abruptio placenta. Abruptio placenta हमें कोई warning नहीं देता. It is an acute emergency. अगर आपको bleeding हो रही है, साथ में पेट में दर्द हो रहा है, पेट एकदम से टाइट हो जाता है, जो बीच में रिलैक्स नहीं करता, कॉन्टिन्यूसली आपको पेन है, एंड यू हैव एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, इमीडिएटली रश टू योर डॉक्टर. Abruptio placenta, the rule is most of the times baby mature है, even if baby is not mature, to save the life of the mother हमें delivery immediately करानी पड़ती है. Baby mature है to save the life of the mother and the baby हम immediately delivery करा देते हैं. Again the mode of delivery most likely is cesarean section to save the baby. Obviously अगर baby dead है, mother की condition stable है, in those cases we may try for a normal delivery, otherwise cesarean section ही करना पड़ता है. With increasing chances of increasing rate of this cesarean section, एक और entity हमारे यहाँ पर जुड़ गई है, that is known as placenta accreta. Now what is placenta accreta? इसमें placenta accreta में क्या होता है, usually जो placenta होता है that comes out after the delivery, placenta accreta में densely attach हो जाता है placenta to the uterine wall, जिसके कारण वो सेपरेट नहीं होता, इट कीप्स ऑन ब्लीडिंग, अगेन अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. प्लेसेंटा एक्रीटा के बारे में हम सिर्फ थोड़ी सी ही चीजें डिस्कस करेंगे. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी न्यू एंटिटी. नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस, हाउ टू प्रिवेंट प्लेसेंटा एक्रीटा, टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन, यू डू नॉट वॉन्ट द बेबी, आपको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए ताकि मल्टीपल डीएनसीज आप अवॉइड कर सको. जितनी ज्यादा डीएनसीज होंगी उतना ज्यादा चांसेस होंगे प्लेसेंटा एक्रीटा होने की. एंड सेकेंडली अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन आर टू बी अवॉइडेड, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ऑन डिमांड, पेन नहीं ले पा रहे हैं या बहुत पैम्पर्ड हैं, पीवी नहीं कराते हैं या मेनली ये कि दर्द नहीं सही जा रही है, इन रीजंस के कारण आपको सिजेरियन सेक्शन नहीं कराना चाहिए, बिकॉज एनी स्कारिंग ऑफ द यूट्रस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्लेसेंटा एक्रीटा. सो प्लेसेंटा एक्रीटा की ट्रीटमेंट के लिए कई बार हमें बच्चा दानी यूट्रस निकालना भी पड़ता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट एंटीपार्टम हेमरेज. हमने थ्री मेन टॉपिक्स कवर किए हैं जिसके कारण ब्लीडिंग ज्यादा होती है एंड विच इज हार्मफुल टू यू एंड योर बेबी. So take care. If you have any questions, we are also available for video consultation and teleconsultation. And take good care of yourself. Thank you so much. Yeah, was me done.